हेलो एवरीवन, मैं वंदना और डेविलिशी डिलीशियस में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ सबको बेहद पसंद आने वाली मिठाई काजू कतली, बहुत ही आसान तरीके से और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें। और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। काजू कतली के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप टुकड़ी काजू लिया है। आप चाहें तो आखा काजू भी ले सकते हैं। 1 कप शक्कर लिया है और 1/2 कप पानी लिया है और थोड़ी सी इलायची ली है। ये सभी मैंने इस मेजरमेंट कप से लिए हैं। आपके पास यदि मेजरमेंट कप नहीं है तो आप इस तरह कटोरी का नाप भी ले सकते हैं। यदि आप 2 कटोरी काजू ले रहे हैं तो उसका 1/2 शक्कर कर दीजिए और उस शक्कर का ही 1/2 आप पानी कर दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी को ग्राम में भी लिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें काजू को पीसना है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है काजू को पीसने के बाद उसे छानना। इसे छानिए जरूर। एक बार मैंने काजू को ग्राइंड किया है, उसके ऊपर छानने के बाद ये जो बचेगा इसको हम वापस मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया है। काजू को पीसते वक्त एक बात ध्यान रखनी कि मिक्सर को कंटिन्यू नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके चलाएं, नहीं तो काजू अपना ऑयल छोड़ देगा और वो गीले हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके चलाएं और इसे इस तरह से छान लें। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म रखी है और उसमें मैं ये 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें ये शक्कर डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से पिघलने देंगे। ये देखिए, इसमें शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमें इसमें कोई भी तार की चाशनी नहीं लेनी है या बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद सिर्फ 2 मिनट तक इसका एक उबाल लेना है। 2 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा उबाल भी आ गया है। अब हम इसमें ये काजू का हमारा पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ हमें इसे कंटिन्यू हिलाना है। ये थोड़ा सा गाढ़ा पड़े जब तक हमें इसे हिलाना है। अब जब ये थोड़ा सा गाढ़ा पड़े तो इसमें 2 टीस्पून घी डालना है। तो देखिए, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे हिलाया था, अभी मैंने इसको बंद कर दिया है और ये देखिए एकदम इस तरह से गाढ़ा हो गया है। और ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इस कढ़ाई में रखूंगी क्योंकि कढ़ाई गर्म है, फिर इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बराबर पक गया है? इसके लिए मैं ये थोड़ा सा इसे एक प्लेट पे निकाल रही हूँ। इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है। आप इस तरह से इसे हाथ में लें और इसका इस तरह से एक बॉल बना के देखें। यदि ये आपके हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है इसका मतलब ये हो गया है। और यदि ये आपके हाथ पे चिपक रहा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और सेक लें। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में घी लगा लिया है, अब इसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब हमें इसे ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, एकदम जो हल्का सा नवाया रहे जिससे आप यूज़ करें और आपका हाथ नहीं जले उतना इसे ठंडा करना है। और बीच में इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें पपड़ी नहीं जमेगी। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैंने हाथ पे घी भी लगाया है। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह से करके और ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बटर पेपर लगाया है और मैं उस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी को आप अच्छे से फैला लें। अब इसके ऊपर मैं एक और बटर पेपर रख रही हूँ और पहले मैं इसे हाथ से जितना फैला सकूँगी मैं इसे हाथ से फैला लूँगी।
तो देखिए मैंने दोनों को बेल लिया है। यदि आपका डो अच्छा टाइट रहेगा तो आपको ऊपर बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि वो लूज हो जाएगा तो आप ऊपर बटर पेपर लगा के इसे आसानी से बेल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि आपका जो डो है थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने नहीं मिलाया है, पर यदि आपको लगता है कि आपका डो सॉफ्ट हो गया है तो आप ज़रूर उसमें मिल्क पाउडर मिला के उसे बराबर कर सकते हैं। मैंने इसे बेला है तो करीब करीब मैंने इसे थोड़ा सा मोटा रखा है, आधा इंच जितना। ज़्यादा पतली काजू कतली अच्छी नहीं लगती है, आप यदि और चाहें पतला तो इसे कर सकते हैं। अब मैं इसे एकदम अच्छे से ठंडा होने दूंगी क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल बहुत हल्का सा गर्म है। बिल्कुल अच्छा सा ठंडे होने के बाद हम इसे कट करेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। आप चाहें तो आप मेजरमेंट स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने अंदाज से भी इसे काट सकते हैं। तो एक बार मैंने नाइफ से बहुत हल्का सा मेजरमेंट इसका कर लिया है, इस तरह से मैं इसे काट नहीं रही हूँ। तो आप इसको चाकू से या फिर इस तरह से पिज्जा कटर से काट सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, पर कतली आपने जनरली ऐसी ही देखी होगी। ये देखिए, तो देखिए मैंने दोनों को कट कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी काजू कतली बन के रेडी हुई है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा केसर से गार्निश कर सकते हैं। आपको मेरी काजू कतली की रेसिपी कैसी लगी, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।